अब डेडलॉक के अंदर हम अपना दूसरा टॉपिक देखेंगे, डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन, जिसके अंदर हम देखेंगे क्या वो नेसेसरी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से डेडलॉक आता है, और दूसरा हम देखेंगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो स्टार्ट करते हैं डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन। स्टार्ट करते हैं डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन। डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन में हम सबसे पहले देखेंगे नेसेसरी कंडीशंस। इन ऑर्डर टू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेडलॉक, द नेसेसरी कंडीशंस दैट कॉजेज द डेडलॉक एंड रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ नीड टू बी अंडरस्टूड। किसी डेडलॉक को समझने के लिए हमें बेसिकली ये चार कंडीशंस जो होती हैं, नेसेसरी कंडीशंस किसी डेडलॉक को अपेयर जो कराती हैं सिस्टम के अंदर, उनको समझना जरूरी है और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को समझना जरूरी है। तो पहले हम नेसेसरी कंडीशंस देखते हैं। इन ए सिस्टम द डेडलॉक हैपेंस व्हेन ऑल दी फॉलोइंग फोर कंडीशंस अकर एट द सेम टाइम। किसी भी सिस्टम में डेडलॉक तब आता है जब ये चार कंडीशंस जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो एक साथ आ जाती हैं सिस्टम में। फर्स्ट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन सम रिसोर्सेज इन ए सिस्टम आर नॉन शेयरेबल, मींस दे कैन नॉट बी शेयर बिटवीन प्रोसेसेस एंड ओनली वन प्रोसेस कैन यूज द रिसोर्स एट ए टाइम। हमें पता है कि हमारे सिस्टम के अंदर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज होती हैं, मतलब वो रिसोर्सेज जो हैं जो प्रोसेस आपस में शेयर नहीं कर सकते। इफ एनी अदर प्रोसेस रिक्वेस्ट दैट रिसोर्स द रिक्वेस्टिंग प्रोसेस मस्ट वेट अंटिल द रिसोर्स हैज बीन रिलीज। तो इसका मतलब अगर रिसोर्स जो है नॉन शेयरेबल है और किसी प्रोसेस ने उसको होल्ड कर रखा है, किसी प्रोसेस के पास अभी वो है और किसी दूसरे प्रोसेस को भी वो नॉन शेयरेबल रिसोर्स चाहिए, तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो रिसोर्स खाली नहीं हो जाती। फॉर एग्जाम्पल शेयर रिसोर्स सच एज रीड ओनली फाइल डू नॉट लीड टू डेड लॉक। अगर हम ये मान के चलें जैसे शेयरेबल रिसोर्स में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रीड ओनली फाइल का। रीड ओनली फाइल एक बना दी जाती है और उसी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस आपस में शेयर करते हैं, जो उसको भी रीड करना है वो रीड कर सकता है। बट दे आर सम नॉन शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर्स, टेप ड्राइवर्स एक्सेट्रा डेट कैन बी यूज बाई वन प्रोसेस एट ए टाइम। लेकिन कुछ ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जैसे कि प्रिंटर हो गया, अगर एक ही प्रिंटर है हमारे पास तो अगर एक प्रोसेस यूज़ कर रहा है तो दूसरे प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा जब तक प्रिंटर खाली नहीं हो जाता। तो कुछ ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जो नॉन शेयरेबल होती हैं, उसके लिए प्रोसेस को वेट करना पड़ता है जब तक कि वो खाली ना हो जाए। तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि प्रोसेस जो हैं बहुत सारे प्रोसेस जो हैं नॉन शेयरेबल रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं। सेकेंड इज होल्ड एंड वेट। ए प्रोसेस इज होल्डिंग ए रिसोर्स एंड इज वेटिंग फॉर सम अदर रिसोर्स दैट इज बीइंग हेल्ड बाय अदर प्रोसेस। सेकेंड कंडीशन जिसकी वजह से डेडलॉक आ सकता है वो ये कि एक प्रोसेस ने कुछ रिसोर्स होल्ड कर रखी है और वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए कुछ और रिसोर्स के लिए को भी चाहता है और उसके लिए वो वेट कर रहा है और वो रिसोर्स किसी और प्रोसेस के पास है। तो इस तरह से जो है मतलब एक प्रोसेस ने कुछ तो रिसोर्सेज होल्ड कर लिए जो वो छोड़ नहीं रहा है और किसी और रिसोर्सेज चाह रहा है जो किसी और प्रोसेस के पास हैं जो वो प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ कर रहा है। तो इस तरह की कंडीशन होती है होल्ड एंड वेट, तो ये नहीं आनी चाहिए नहीं तो डेडलॉक की कंडीशन हो जाती है। थर्ड कंडीशन जिसकी वजह से डेडलॉक आ सकता है वो है नो प्रीएम्पशन। रिसोर्सेज वंस एलोकेटेड कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड। रिसोर्स अगर एक बार किसी प्रोसेस को दे दिया तो वो बीच में प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता। दिस मीन्स रिसोर्स कैन नॉट बी टेकन बैक फ्रॉम प्रोसेस अनटिल द प्रोसेस होल्डिंग इट रिलीज्ड इट विलिंगली ऑन कंप्लीशन ऑफ टास्क। अगर ऐसी हमारे पास सिचुएशन है कि हमने एक प्रोसेस को कोई रिसोर्स दी और वो रिसोर्स हम उससे तब तक वापस नहीं दे सकते जब तक प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके उसको विलिंगली अपने आप ना रिलीज कर दे, तो ये होता है नो प्रीएम्पशन कंडीशन। देन लास्ट सिचुएशन इज सर्कुलर वेट। द प्रोसेस इन द सिस्टम फॉर्म ए सर्कुलर वेटिंग चेन। प्रोसेस जो है सर्कुलर वेटिंग चेन बना ले। जैसे सपोज करते हैं देयर इज अ सेट ऑफ प्रोसेस P1 P2 अप टू PN, n प्रोसेसेस हैं हमारे पास और उसी तरह हमारे पास n नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं R1 R2 अप टू RN। नाउ P1 इज होल्डिंग ए रिसोर्स R1। P1 ने R1 नाम की रिसोर्स को होल्ड कर रखा है और वो वेट कर रहा है किसके लिए, P1 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको रिसोर्स R2 भी चाहिए। लेकिन R2 को किसने होल्ड कर रखा है, प्रोसेस P2 को। उसी तरह P2 ने रिसोर्स R2 को होल्ड कर रखा है और उसे अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए कौन सी रिसोर्स चाहिए, R3। इसी तरह से P3 ने कौन सी रिसोर्स होल्ड कर रखी है, R3, और उसको अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए कौन सी रिसोर्स चाहिए, R4, जो कि P4 ने होल्ड कर रखा है, एंड सो ऑन इस तरह से। और इसी तरह से RN हेल्ड बाई प्रोसेस PN, RN नंबर की रिसोर्स जो है वो प्रोसेस PN ने होल्ड कर रखी है और PN किसके लिए वेट कर रहा है,
रिसोर्स आर वन के लिए जो कि पी वन के पास है। मतलब कुछ इस तरह की कंडीशन कि पी वन किसके लिए, पी वन किस रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो पी टू के पास है, पी टू किस रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो पी थ्री के पास है, पी थ्री किस रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो पी फोर के पास है, और पी फोर किस रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो पी वन के पास है। मतलब एक सर्कल बन गया है, तो इसे हम कहते हैं सर्कुलर वेट कंडीशन। दस प्रोसेस फॉर्म्स अ सर्कुलर चेन ऑफ वेट एंड एंटर इनटू अ डेडलॉक, और इससे डेडलॉक आ जाता है। तो ये चार मेन कंडीशंस हैं, अगर ये चारों एक साथ सिस्टम में सेटिस्फाई हो जाती हैं तो डेडलॉक की कंडीशन जरूर आएगी सिस्टम में। डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन में हम अगली चीज़ देखेंगे, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हमें बहुत हेल्प करता है कि कौन से प्रोसेस के पास कौन सी रिसोर्स है या वो कौन सी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। तो देखते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज़ ए विजुअल टूल, एक तरह का टूल है जो हमें विजुअली दिखाई देता है, हम डायग्राम की तरह से इसे बना के समझ सकते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स एंड एजेस, ग्राफ है तो उसके अंदर नोड्स और एजेस होंगी। टू डिटरमाइन विच रिसोर्स इज हेल्ड बाई विच प्रोसेस, तो हमें ये पता चल पाता है कि कौन सी रिसोर्स कौन से प्रोसेस ने ले रखी है। विच प्रोसेस इज वेटिंग फॉर विच पर्टिकुलर रिसोर्स, कौन सा प्रोसेस कौन सी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, एंड ऑल्सो इफ देयर इज एनी डेडलॉक कंडीशन, और क्या सिस्टम के अंदर कोई डेडलॉक तो नहीं है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। ये हमारी नोड्स हैं, एक ये नोड है हमारी पी वन, एक दूसरी नोड है पी टू, एक तीसरी नोड है पी थ्री। पी वन पी टू पी थ्री जो नोड्स हैं वो किसी प्रोसेस को दिखा रही हैं। ये सिस्टम में सपोज तीन प्रोसेस हैं तो हमारे पास ग्राफ के अंदर तीन नोड्स हैं, ये हमारी नोड्स होती हैं। ये जो है हमारी नोड्स होती हैं, और ये जो हम ये लाइन जा रही हैं एक नोड से दूसरे नोड तक, ये एजेस होती हैं हमारी। तो हम कह सकते हैं इन ए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ देयर इज ए नोड पी कंटेनिंग सेट ऑफ ऑल एक्टिव प्रोसेसेस पी वन पी टू अप टू पी एन। हमारे पास एक नोड होती है जो सारे प्रोसेसेस को डिनोट करती है। अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ प्रोसेस हैं सिस्टम में तो हमारे ग्राफ में एन नंबर ऑफ नोड्स होंगी, अगर चार प्रोसेस हैं तो चार नोड्स होंगी। एंड देयर इज अनदर नोड आर कंटेनिंग सेट ऑफ रिसोर्सेज, और इसके अलावा हमारे पास एक और नोड होती है आर जो सारी रिसोर्सेज को डिनोट करती है। अगर हमारे पास पांच रिसोर्सेज हैं तो हमारे पास पांच आर नाम की नोड्स होंगी, जैसे डायग्राम में हम देख पा रहे हैं। हमारे पास ये तो नोड्स थी, प्रोसेस वाली नोड्स थी हमारी, और ये हमारी आर वन आर टू, ये सब जो है हमारी रिसोर्स की नोड्स हैं, ये भी नोड्स हैं हमारी, और जितने भी ये एरो एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं ये सब हमारी एजेस हैं। तो हमारे पास दो तरह की नोड्स हो गई, एक सारे प्रोसेस को डिनोट कर रही हैं पी वन पी टू पी थ्री एंड सो ऑन, एक सारे रिसोर्सेज को डिनोट कर रही हैं आर वन आर टू आर एन सो ऑन। ये जो हर एक रिसोर्स के साथ हमने ये दो डॉट्स ही दिखा रखी हैं, किसी के साथ दो दिखा रखी हैं, किसी के साथ थ्री डॉट्स दिखा रखी हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस रिसोर्स टाइप की इतनी इंस्टेंस सिस्टम में अवेलेबल हैं। सपोज करते हैं कि R3 हमारा प्रिंटर है, तो इसका मतलब प्रिंटर की हमारे पास वन एंड टू दो इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं, दो प्रिंटर्स अवेलेबल हैं, और दोनों की कैपेबिलिटी इक्विवेलेंट है। कोई भी इनमें से कोई भी एक प्रिंटर अगर हम एलोकेट करेंगे प्रोसेस को तो वो उसकी रिक्वेस्ट सेटिस्फाई कर देगा। इसी तरह से हमने R4 के अंदर देखा कि थ्री इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं। सपोज करते हैं R4 टेप ड्राइव है हमारा, तो हमारे पास सिस्टम में तीन टेप ड्राइव्स अवेलेबल हैं, और इनमें से कोई भी टेप ड्राइव हम किसी प्रोसेस को एलोकेट करेंगे तो उसकी रिक्वेस्ट को वो सेटिस्फाई कर देगा। तो ये डॉट जो होती है हमारी इंस्टेंस शो करती हैं किसी भी रिसोर्स की, कि एक सिस्टम के अंदर उस रिसोर्स की कितने इंस्टेंस अवेलेबल हैं, और सारे इंस्टेंस एक रिसोर्स टाइप के सेम होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। अगर एक प्रोसेस, इफ़ ए प्रोसेस इज होल्डिंग ए रिसोर्स, देन एन एरो डायरेक्टेड एच कॉल्ड असाइनमेंट इज ड्रॉन फ्रॉम दैट रिसोर्स नोड टू द प्रोसेस नोड। अगर किसी प्रोसेस ने कोई रिसोर्स होल्ड कर रखी है तो एक एरो लाइन जिसको हम असाइनमेंट एच कहते हैं वो ड्रॉ की जाती है रिसोर्स नोड से प्रोसेस नोड की तरफ। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि रिसोर्स नोड से R1 जो रिसोर्स नोड है इससे एक लाइन आई डॉट ये एज आया है हमारा P2 की तरफ, तो इसका मतलब कि R1 नाम की जो रिसोर्स है वो किसको असाइन है, P2 को असाइन है इस टाइम, मतलब P2 के पास इस टाइम R1 है। उसी तरह से R3 दो टाइप दो हैं उसके, R3 टाइप की जो कैटेगरी के रिसोर्स हैं वो दो हैं हमारे पास, उसमें से एक जो है P2
पी टू के पास है, ये लाइन ये शो कर रही है, और उसमें से दूसरा जो है किसके पास है, पी वन के पास है, मतलब आर थ्री के दोनों इंस्टेंस इस टाइम बिजी हैं, एक पी वन के साथ एक पी टू के साथ। उसी तरह से ये आर फाइव जो है, आर फाइव उसी तरह से ये आर फाइव जो है किसको असाइन है, पी थ्री को, क्योंकि लाइन यहाँ से ये शो कर रही है कि आर थ्री इस टाइम पी थ्री के पास है। तो ये हो गई हमारी असाइनमेंट एच, कि एक रिसोर्स एक प्रोसेस को असाइन है। दूसरी तरह की हमारे पास जो एज होती है वो होती है रिक्वेस्ट एज। इफ ए प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग ए रिसोर्स, ए डायरेक्टेड एज कॉल्ड रिसोर्स एज इज ड्रॉन फ्रॉम रिक्वेस्टिंग प्रोसेस टू द वांटिंग रिसोर्स नोड। जैसे कि अगर प्रोसेस पी थ्री को रिसोर्स आर टू चाहिए, तो प्रोसेस पी थ्री से एक एज गई है, यानी कि पी थ्री इज रिक्वेस्टिंग किसके लिए, रिसोर्स आर टू के लिए। पी थ्री से अगर रिसोर्स से एक एरो जाता है, रिसोर्स से जब एक एरो जाता है तो इसका मतलब ये रिसोर्स जो है इस प्रोसेस को एलोकेटेड है। अगर प्रोसेस से किसी रिसोर्स को एरो जाता है तो इसका मतलब ये प्रोसेस जो है इस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे प्रोसेस पी टू से आर फाइव की तरफ एक ये जा रही है एच, यानी कि रिक्वेस्टिंग एच जा रही है कि पी टू इज़ रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स आर फाइव। तो इस तरह से हमारा ऐसे यहाँ पे पी वन से जा रही आर वन की तरफ, मतलब पी वन इज रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स आर वन। तो हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास नोड हो गई रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में, हमारे पास एजेस हो गई, एक हो गई हमारी असाइनमेंट एज जो ये बताती है कि कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस के पास है, एक हमारे पास हो गई रिक्वेस्टिंग एज कि कौन सा प्रोसेस कौन सी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर हम कुछ इस तरह से लिखते हैं पी वन एरो आर टू, तो इसका मतलब पी वन जो है रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स आर टू के लिए। उसी तरह से अगर हम लिखते हैं आर वन एरो पी वन, तो इसका मतलब आर वन नाम की जो रिसोर्स है वो किसको असाइन है, प्रोसेस पी वन को। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हमें बहुत आराम से समझ में आ जाता है कि हमारे सिस्टम में इस टाइम कितनी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, कितने प्रोसेसेस हैं, कौन सा प्रोसेस ने कौन सी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट डाल रखी है रिक्वेस्टिंग एज की हेल्प से, और कौन सा रिसोर्स इस टाइम कौन से प्रोसेस को असाइंड है असाइनमेंट एज की हेल्प से। इफ़ द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हैज़ नो साइकिल्स, देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ डेडलॉक कंडीशन। और अगर हमारे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में कोई भी साइकिल नहीं बनी हुई है तो हमारी डेडलॉक की कंडीशन नहीं होती, हमारे सिस्टम में डेडलॉक है ही नहीं। इफ़ ग्राफ हैज़ ए साइकिल, लेकिन अगर ग्राफ के अंदर साइकिल बनी हुई है तो डेडलॉक आएगा। साइकिल समझने के लिए हम एक ये वाला ग्राफ देखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि साइकिल से क्या मतलब है हमारा। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये प्रोसेस है पी वन, जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए, आर वन के लिए, लेकिन आर वन टाइप का जो रिसोर्स है वो एक ही उसकी इंस्टेंस अवेलेबल थी, जो कि किसको असाइन हो रखी है, ये असाइनमेंट एज है, तो किसको असाइन हो रखी है, पी टू को। पी टू जो है रिक्वेस्ट कर रहा है किस रिसोर्स के लिए, आर फाइव के लिए, लेकिन आर फाइव नाम का जो रिसोर्स है वो किसको एलोकेटेड है इस टाइम, पी थ्री को। अब पी थ्री जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो किस रिसोर्स के लिए कर रहा है, आर थ्री के लिए। आर थ्री के दो इंस्टेंस अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें से एक इंस्टेंस तो हमारा पी टू को एलोकेटेड है और एक पी वन को एलोकेटेड है। तो आप देखो एक साइकिल बन गई है यहाँ पे कि आर थ्री एलोकेटेड है पी वन को, पी वन रिक्वेस्ट कर रहा है, P1 रिक्वेस्ट कर रहा है हमारे R1 के लिए, R1 एलोकेटेड है P2 को, P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R5 के लिए, R5 एलोकेटेड है P3 को, P3 रिक्वेस्ट कर रहा है R3 को, जो कि एलोकेटेड है ऑलरेडी P1 और P2 को। तो ये हमारी साइकिल बनी हुई है यहाँ पर इस तरह से। कैसे साइकिल बनी हुई है, P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर R1 जो कि एलोकेटेड है P2 को, P2 इज रिक्वेस्टिंग फॉर R5 जो कि एलोकेटेड है P3 को, P3 is requesting for R3 जो कि allocated है P1 को। तो ये एक साइकिल बन गई हमारी। उसी तरह से दूसरी हमारी साइकिल एक और जो बनी हुई है, P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R5 को जो कि allocated है P3 को, P3 रिक्वेस्ट कर रहा है R3 को जो कि allocated है P2 को। तो एक और साइकिल बन गई। तो ये अगर हमारे सिस्टम हमारे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हमें साइकिल दिखाई देती है तो इसका मतलब डेडलॉक की कंडीशन है या फिर आ सकती है बहुत जल्दी। इस फिगर में जो साइकिल्स बनी हुई है दो, इनसे तो डेडलॉक की कंडीशन आ रही है, क्योंकि कोई आप देखो P1 को R1 चाहिए, ऑलरेडी R1 की एक ही इंस्टेंस है जो कि P2 को एलोकेटेड है, P2 को चाहिए
आर फाइव उसकी भी एक ही इंस्टेंस है जो पी थ्री को एलोकेटेड है. पी थ्री को चाहिए आर थ्री, आर थ्री के दो इंस्टेंसेस हैं लेकिन एक पी वन को एलोकेटेड एक पी टू को. तो चाह के भी कोई रिसोर्स छोड़ नहीं पा रहा है और चाह के भी उसको वो रिसोर्स मिल नहीं पा रही है जो वेटिंग प्रोसेस है जो दूसरे के पास है. तो ये एक साइकिल बन गई और ये साइकिल शो कर रही है कि सिस्टम के अंदर डेडलॉक आ चुका है. ऑल दी प्रोसेसेस पी वन पी टू पी थ्री आर इन डेडलॉक कंडीशन. अब हम एक और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ देखते हैं जो ये है. इसमें साइकिल्स तो हैं लेकिन डेडलॉक की सिचुएशन नहीं है. इससे पहले जो हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ देखा था उसमें साइकिल आ गई थी और जो प्रोसेस थे वो डेडलॉक में चले गए थे. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं प्रोसेस पी वन को ने रिक्वेस्ट की हुई है रिसोर्स आर वन की. आर वन की एक ही इंस्टेंस है जो किसको एलोकेटेड है, प्रोसेस पी टू को. उसी तरह से प्रोसेस पी टू ने रिक्वेस्ट की हुई है रिसोर्स आर टू के लिए जो कि किसको एलोकेटेड है, पी थ्री को. पी थ्री ने रिक्वेस्ट की हुई है रिसोर्स आर थ्री के लिए जो कि एलोकेटेड है पी फोर को और पी वन को, और पी वन अगेन आर वन. तो यहाँ पे एक ये साइकिल बनी हुई है हमारी पी वन टू आर वन. पी वन रिक्वेस्ट कर रहा है आर वन के लिए जो कि एलोकेटेड है पी टू को. पी टू रिक्वेस्ट कर रहा है आर टू के लिए जो कि एलोकेटेड है पी थ्री को. एंड पी थ्री रिक्वेस्ट कर रहा है आर थ्री के लिए जो कि एलोकेटेड है पी वन को. लेकिन अगर हम देखें तो आर थ्री जाम की जो रिसोर्स है उसके दो इंस्टेंसेस हैं. एक तो पी वन को एलोकेटेड है जो कि खुद ही साइकिल में फंसा हुआ है, लेकिन आर थ्री की दूसरी इंस्टेंस किसको एलोकेटेड है, पी फोर को. अब ऐसा होगा कुछ देर बाद ये जो आर थ्री एलोकेटेड है पी फोर को, पी फोर जो है साइकिल का पार्ट नहीं है. पी फोर आप देखो किसी साइकिल का पार्ट नहीं है. हम यहाँ देख रहे हैं हमारी जो साइकिल थी इसमें पी फोर नहीं है साइकिल का पार्ट, पी फोर अलग है. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पी फोर अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और ये जो आर थ्री नाम की रिसोर्स है इसको रिलीज कर देगा, इसको छोड़ देगा. जैसे ही इसको छोड़ेगा ये रिसोर्स आर थ्री किसको मिल जाएगी, पी थ्री को. पी थ्री को मिल जाएगी, पी थ्री अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और कौन सी रिसोर्स को छोड़ देगा, आर टू को. आर टू को छोड़ देगा, उसके बाद ये रिसोर्स आर टू किसको एलोकेट हो जाएगी, पी टू को. पी टू अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और कौन सी रिसोर्स को छोड़ देगा, आर वन को. आर वन किसको एलोकेट हो जाएगी, पी वन को. पी वन अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और जो है प्रोसेस स्मूथली वर्क करेगा, डेडलॉक की कंडीशन आ ही नहीं. तो ये भी होता है कि अगर एक ग्राफ में, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में अगर साइकिल है तो जरूरी नहीं है कि डेडलॉक की कंडीशन आ गई है. हमें देखना पड़ता है कि डेडलॉक की कंडीशन क्या आने वाली है, तो हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्या है वो सब हम अभी आगे देखेंगे. तो साइकिल इन ए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, बट यस डेडलॉक में अकर. तो ये था हमारा डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन जिसके अंदर हमने नेसेसरी कंडीशंस और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ देखा. इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके फीडबैक या क्यूरीज हैं वो आप हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी sonali@timeraise.com. थैंक यू.